17 तारीख से नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए बाजार सज चुके हैं और दुकानों पर अलग अलग तरह की सुंदर मूर्तियां भी सज चुकी हैं। कोरोना महामारी के दौर में अधिकतर त्योहार घरों में मनाने के बाद अब अनलॉक 5 में छूट मिली है, तो लोग 9 दिन चलने वाले नवरात्रों की तैयारियां जोर शोर के साथ कर रहे हैं। इस मौके अंबाला के बाजार में सामान खरीदने आए लोगों ने बताया कि उन्होंने नवरात्रों के लिए विभिन्न प्रकार की मूर्तियां खरीदी हैं और वो नवरात्रों के त्योहार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने अपनी दुकान पर नवरात्रों का सारा सामान सजा लिया है। विभिन्न प्रकार की मूर्तियां सजाई हुई हैं, लेकिन इस बार उनके पास पिछले साल के मुकाबले ग्राहक काफी कम आ रहे हैं। आजाद टीवी न्यूज के लिए अंबाला से कैमरामैन अभिषेक सूद के साथ हरजीत सिंह की रिपोर्ट। भाई यही है सामान, रातों का माता है, दुर्गा है, जीवा है, और अपना सेल पिछले साल वाली तो नहीं है। बाकी अभी देखो आगे क्या होता है, कोरोना की वजह से लोग बाहर से नहीं आ रहे। नवरात्रों से पहले मत्स्य वाले दिन सांझी लगाते हैं, उसके लिए सांझी ले रहे हैं और नवरात्रों का सामान भी खरीद रहे हैं। नवरात्रों को लेकर जैसे अभी नवरात्रे भी आ रहे हैं, उसके लिए जैसे चुनिया चनिया जो छोटे मोटे मटके और दीवे वगैरह जो कुछ भी है, करवे वगैरह, उसको लेने हम अंबाला आए हैं। यहाँ सुबह मॉर्निंग पहुँचे। नवरात्रों को लेकर हम बहुत एक्साइटेड हैं कि उसमें इसमें खरीदारी अच्छे से होगी, क्योंकि बाकी जो त्यौहार है वो घर में मनाए ज़्यादातर लोगों ने, और यही पहला त्यौहार है जो अच्छी तरह मनाया जाएगा। तो इसमें हमारी मूर्तियाँ और हमारी सांझी वगैरह और जो भी बाकी नवरात्रों का सामान होता है वो हम सब बेचते हैं। काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि कस्टमर बाहर से आते थे हमारे पास सामान लेने के लिए, वो काफ़ी कम होते हैं, इसलिए क्योंकि आना जाना काफ़ी बंद है।